केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास छोड़ा। आप सांसद के बंगले में शिफ्ट हुए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल रहने के कारण जान बची। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला आदेश की अवमानना हुई तो जिम्मेदार जेल जाएंगे, गुजरात सरकार से मांगा जवाब। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंग रेप, दोस्त के साथ गोपदेव घाट घूमने गई थी। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। MUDA जमीन घोटाला, सिद्धार्थ मैया पर सबूत मिटाने का आरोप। कर्नाटक सीएम बोले गलत किया होता, राजनीति में टिक नहीं पाता। हरियाणा में वोटिंग कर, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। अंबाला में पिंक बूथ बनाए, सीएम सैनी ने मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। मैरिटल टेप को अपराध कहने के खिलाफ केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट से कहा ये कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अमेठी हत्याकांड, टीचर की पत्नी का प्रेमी निकला कातिल, वीडियो कॉल पर बात होती थी। चंदन वर्मा ने लिखा था 5 लोग मरने वाले हैं। शाह बोले ड्रग केस में कांग्रेस की संलिप्तता, शर्मनाक युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेला। सीएम सैनी बोले चुनाव में खर्च हुए ड्रग रैकेट के पैसे। जेपी नड्डा बोले हिमाचल की पत्तल में छेद हो चुका, केंद्र जनता को जो दे रहा वो रास्ते से गायब हो रहा है। हिमाचल सीएम की दो भाषाएं। सवाल बीजेपी का टारगेट, आप ही क्यों? हुड्डा जो राजनीति में उठता है वह टारगेट बनता ही है, भाग्य में होगा तो दीपेंद्र सीएम बनेगा। हरियाणा में चुनाव बूथों के लिए ECI की गाइडलाइन जारी, इलेक्शन बूथों पर पोस्टर झंडे लगाने की मनाही, पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर बनेंगे। कर्नाटक के मंत्री बोले सावरकर गोमांस खाते थे, विवाद बढ़ा तो कहा सच बोलने के लिए क्षमा करे, भाजपा बोली राहुल आधुनिक जित्रा। नसरल्लाह को सीक्रेट जगह दफनाया, इसराइली हमले का डर था, शोक सभा में खामेनेई बोले अरब देश एकजुट हो, जरूरत पड़ी तो इसराइल पर फिर हमला करेंगे। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, भारत का जवाब ये हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इसराइली सैनिक, हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 3 टैंक तबाह किए, इसराइल के 8 सैनिकों की मौत, 18 घायल। थाईलैंड में स्कूल बस में आग, 25 स्टूडेंट्स की मौत, 5 टीचर समेत 44 लोग सवार थे, दावा टायर फटने से हुआ हादसा। किसानों के रिकॉर्ड फसल नुकसान, सर्वे में नहीं होगा हेर फेर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा फेरी में मिलेंगे तिलहन फसल के बीच। राष्ट्रपति बोली छात्रावास नहीं मिलता तो मेरी पढ़ाई रुक सकती थी। मानगढ़ में आदि गौरव सम्मान समारोह, सीएम ने की 5 करोड़ पुलिस चौकी की घोषणा। कुआं खाली कर 3 साल की लापता बच्ची की तलाश, घर से 500 मीटर दूर खेत में सोई हुई मिली, मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा।